हेलो एवरीवन। तो ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन सर्कल से रिलेटेड, तो मैंने डायग्राम पहले से ही बना दिया आपके लिए। टू सर्कल्स विद सेंटर ओ एंड ओ डैश, ये दो सर्कल हैं जिसके सेंटर्स के ओ और ओ डैश है, इंटरसेक्टेड टू पॉइंट्स ए एंड बी। ये दो सर्कल कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं? ए और बी पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये लाइन पी क्यू इज ड्रॉन पैरेलल टू ओ डैश, देख रहे हो, एक पी क्यू लाइन ड्रॉ करी है पैरेलल टू ओ डैश। ओ डैश के लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर, और पी क्यू ओ डैश के पैरेलल पर ड्रॉ करी है, या तो वो ए से पास कर रही है या फिर बी से। मैंने कहा से पास करवा दिया उसको, बी से। तो हमें प्रूव करना है ये जो पी क्यू है, पी क्यू ये ओ डैश का डबल है, ठीक है। इसको करने के क्या क्या तरीके हैं? एक तरीका है जो हर बुक में ऑलमोस्ट दिया हुआ है, आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, बहुत अच्छी अच्छी जितनी बुक्स आती हैं एलिमेंट्स, ठीक है। और एक तरीका कई स्कूल्स वालों ने फॉलो किया है, तो वो भी मैं आपको करा देता हूँ। जो आपको सही लगे वही कर लेना। पहले मैं एक स्टैंडर्ड तरीका करा रहा हूँ, फिर मैं दूसरा तरीका भी करवाऊंगा। आप दोनों मेथड कर लीजिए, उसके बाद जो आपको आसान लगे वही लगा के आना। देखिए ये सब गिवन है, तो हमें पी क्यू ओ डैश के डबल प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे? एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे। पहला मेथड जो है मेरा, उसमें मैं एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं। ड्रॉ ओ एन परपेंडिकुलर टू पी क्यू एंड ओ डैश एम परपेंडिकुलर टू पी क्यू। तो कंस्ट्रक्शन क्या है? ड्रॉ ओ एन एंड ओ डैश एन एम ओ डैश एम परपेंडिकुलर टू पी क्यू। ये दोनों ही लाइनें ओ एन और ओ डैश एम परपेंडिकुलर टू पी क्यू ड्रॉ करें, ठीक है। अब प्रूफ, अगर पी क्यू ओ डैश के पैरेलल गिवन है ऑलरेडी, तो पी क्यू का कुछ पार्ट, क्या बोला? पी क्यू का कुछ पार्ट एम एन भी पैरेलल होगा ओ डैश के। देखो ध्यान से, ये एन एम या दिख रहा नीचे आपको, ये एन एम दिख गया, ये मैंने ग्रीन में मार्क कर दिया। ओके, अब ओ एन पैरेलल टू ओ डैश एम होगा, क्यों? क्योंकि दोनों पी क्यू के ही परपेंडिकुलर है बाय कंस्ट्रक्शन। तो ओ एन है वो ओ डैश एम के पैरेलल भी होगा। इससे हमें ये पता लग गया, क्या पता लग गया? ओ ओ डैश एम एन इज ए पैरेललोग्राम। कि पैरेललोग्राम की सफिशिएंट कंडीशंस क्या होगी? यहाँ पे अपोजिट साइड्स पैरेलल हो गई, दोनों पेयर अपोजिट साइड के पैरेलल हो गए, तो ये पैरेललोग्राम हो गई। अब पैरेललोग्राम हो गई और ये एंगल 90 है ही, एंगल 1 और 2 कह देता हूं मैं, एंगल 1 और 2 तो बाय कंस्ट्रक्शन 90 थे ही। तो अगर पैरेललोग्राम में एक एंगल भी 90 हो जाए तो वो क्या हो जाती है? रेक्टेंगल। तो यहां से हमें ये पता लग गया ओ ओ डैश एम एन इज ए रेक्टेंगल, ठीक है जी। और रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स क्या होती हैं बोलो? इक्वल होती हैं। रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स क्या होती हैं बोलो? इक्वल होती हैं। तो यहां से मैं ये कह सकता हूं कि ओ डैश इज इक्वल टू एम एन। यहां तक कोई डाउट हो तो बता दीजिए। ओ ओ डैश हमने एम एन के इक्वल प्रूव कर दिया। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, आपने ओ एन परपेंडिकुलर टू पी बी ड्रॉ की है। ओ एन अगर पी बी के परपेंडिकुलर है तो यहां से पी एन इज इक्वल टू एन बी हो जाएगा। रीजन बताओ कि पी एन एन बी के इक्वल क्यों होगा? परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कोड विल बाइसेक्ट द कोड, ये बात लिख लोगे? परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कोड विल बाइसेक्ट द कोड, ठीक है। सेंटर से जो परपेंडिकुलर होता है वो कोड को क्या करता है? बाइसेक्ट। तो इससे हमें ये पता लग गया कि जो पी एन है वो एन बी के इक्वल हो गया। सेम लॉजिक से ओ डैश एम इज परपेंडिकुलर टू बी क्यू, तो हमने
बाय कंस्ट्रक्शन किया ही है, इस परपेंडिकुलर टू पी क्यू, या बी क्यू बाय कंस्ट्रक्शन हुआ है ना, बी क्यू भी तो पी क्यू का ही एक पार्ट है, तो यहां से मैं बी एम इज इक्वल टू एम क्यू कह सकता हूं। सेम लॉजिक से परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कोर्ड विल बाइसेक्ट द कोर्ड, ठीक है। यहां पे हमने नंबर वन लिख लिया कि भाई पी एम इज इक्वल टू एम बी, यहां पे मैंने नंबर टू लिख लिया बी एम इज इक्वल टू एम क्यू। यहां तक कोई इश्यू हो तो बता दीजिए। अब ध्यान से सुनना, अब मैं पी क्यू लाइन लिख लेता हूं कंप्लीट। मैंने क्या किया बेटा, पी क्यू लाइन कंप्लीट लिख ली, लिख ली। अब इसके पार्ट्स बना दो पी क्यू लाइन के। पी क्यू लाइन किस किस से मिलके बनी है देखो, पी एन प्लस एन बी प्लस बी एम प्लस एम क्यू। अब मुझे जल्दी से बताओ, क्या हमने पी एन और एम बी फर्स्ट पार्ट में प्रूव किया? किया है ना। तो पी एन की जगह उठा के मैं अगर बी एन या एन बी ही रख दूं तो किसी को कोई परेशानी है? फर्स्ट पार्ट में किया ही है प्रूव, और एक एन बी तो ऑलरेडी पढ़ा ही है। इसी तरह से मैंने बी एम इज इक्वल टू एम क्यू प्रूव किया सेकेंड पॉइंट में, तो एम क्यू की जगह उठा के क्या रख दूं? बी एम ही रख दूं। एक बी एम तो ऑलरेडी था ही, एक एम क्यू की जगह मैंने क्या रख दिया? बी एम। तो टू एम बी प्लस टू बी एम हो गया। हाँ जी, दो बार बी एन हो गया, दो बार बी एम हो गया, तो टू कॉमन भी ले लूं साथ साथ इसी स्टेप पर। अब करके मैं, चल मैं रब नहीं करता ताकि फिर आपको दिक्कत ना हो, मैं स्टेप पर रब नहीं करता ताकि आपको देखने में दिक्कत ना हो, मैं यहीं पे लिख देता हूं। यहां पे लिख रहा हूं अगला पार्ट, टू बी एन प्लस टू बी एम, हाँ या ना, टू बी एन प्लस टू बी एम, टू कॉमन ले लो तो बी एन प्लस बी एम रह गया अंदर, और बी एन प्लस बी एम क्या हो गया बोलो? एन एन, टू एन एम। अब देखो हमने कहीं पे एन एम या एम एन, ये देखो एन एम या एन एम, फोर डैश के इक्वल भी प्रूव किया ना पीछे, तो एन एम की जगह क्या रख दूं बेटा? ओ डैश। हम क्या लिख देंगे? एन एम इज इक्वल टू ओ डैश प्रूव्ड अबव। अब ध्यान से सुनना, मैंने पी क्यू को ब्रेक करना स्टार्ट किया था और कहां पे पहुंच गया? टू ओ डैश पे, और हमें यही तो प्रूव करना था, पी क्यू इज ट्वाइस ऑफ ओ डैश, हेंस प्रूव। हेंस क्या प्रूव हो गया हमारा? हेंस यहां पे लिख रहा हूं लास्ट, पी क्यू इज यहां से ट्वाइस ऑफ ओ डैश, ठीक है बेटा। एक मेथड ये समझ आ गया जो स्टैंडर्ड सभी बुक्स में दिया हुआ है। मैं आपको एक और मेथड करा रहा हूँ जो कई स्कूल वालों ने फॉलो तो किया, लेकिन मैं थोड़ा सा और डिटेलिंग कर रहा हूँ इस बात की, क्योंकि ज्योमेट्री में डिटेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। आइए अब सुनते हैं कि दूसरा तरीका क्या है। ये मैं रब कर देता हूँ पहला तरीका, क्योंकि स्पेस की कमी है और मैं डायग्राम बनाने में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, जितना मैंने किया मैंने इसको रब कर दिया, ठीक है। ये मैंने इसको रब कर दिया यहाँ पे, 1 मिनट बस, क्योंकि मेरे को स्पेस बनाना है आपके लिए। सेकंड मेथड भी जरूर देख लीजिए एक बार, अगर आपको वो पसंद आता है तो आप वो भी लगा सकते हैं, डिपेंडिंग अगर आपके टीचर ने वो करवाया है तो, नहीं तो आप फर्स्ट मेथड जो स्टैंडर्ड मेथड है वो आप यूज कर सकते हैं। अब मैं क्या कह रहा हूँ, सेकेंड मेथड में ज्वाइन पी ए, अब पीए को ज्वाइन करोगे ना वो उसे कंफर्म पास करेगा। क्यों करेगा? मैं इसका प्रूफ करके दिखाता हूं। कई स्कूल वालों ने इसका प्रूफ नहीं किया, लेकिन मैं आपको बताऊंगा, जब आप पीए को ज्वाइन करोगे तो वो ओ से क्यों पास करेगा, पीओ एक कोलिनियर क्यों होंगे। इसको मैं थोड़ा सा ठीक से ज्वाइन कर देता हूं, क्योंकि मैंने डायग्राम भी, ठीक है 1 मिनट, जब आप पीए को पास करोगे ना, जब आप पीए को ज्वाइन करोगे तो वो सेंटर से पास करेगा, एग्जैक्ट जब आप कंपस से सर्कल बनाओगे तो बिल्कुल होगा ऐसा, और मैं इस बात को प्रूव भी करके दिखाऊंगा अभी कि ऐसा क्यों होगा। इस तरह से जब आप क्यूए को ज्वाइन करेंगे ना तो वो भी सर्कल के सेंटर से ही पास करेगा, पीए को ज्वाइन करोगे वो भी सेंटर से पास करेगा, मीन्स पीओए कोलिनियर होंगे और एओ डैश क्यू भी क्या होंगे? कोलिनियर होंगे, मीन्स सर्कल के सेंटर से कोई सीधी लाइन पास कर दिया तो फिर वो डायमीटर का काम करेगी, अगर उसके एंड पॉइंट सर्कल पे है तो। मैं कह सकता हूँ एपी डायमीटर है और एक्यू डायमीटर है,
क्यों है ये बताता हूं। होगा तो सही, हर बार ऐसा होगा कि अगर दो सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहे हैं और एक पॉइंट से जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक लाइन पैरेलल टू लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर मींस ओ डैश के पैरेलल खींचते हो, तो पी और क्यू कहीं पे इंटरसेक्ट करेगी। और जब आप पी और दूसरे पॉइंट ए को ज्वाइन करोगे और क्यू और ए को ज्वाइन करोगे तो ये डायमीटर्स ही होंगे। इसका रीजन मैं अभी बता देता हूं। मैंने आपको कई बार एक क्वेश्चन कराया, एक प्रॉपर्टी बताई हुई है कि अगर आप लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स को ज्वाइन करते, जैसे आपने लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ओ डैश को ज्वाइन किया, ठीक है, और कॉमन कोड को भी ज्वाइन कर देते हो, तो होता क्या है, लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कोड। जो सेंटर्स को लाइन ज्वाइन करती है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है किसका बेटा, कॉमन कोड का। ये 90, ये 90, ये 90, ये 90, ठीक है। अगर ये एंगल 190 है तो एंगल 2 भी 90 हो गया, ठीक है। अगर 1 1 2 मत लो, 1 2 पहले ही ले चुका था, आओ या तो इसको रब कर दो 1 और 2 को, अब लिख लो वो पिछले क्वेश्चन पिछले मेथड से मैंने 1 और 2 इसको लिया था ना, तो आप कंफ्यूज मत हो जाओ, तभी मैं चेंज कर रहा हूं। 1 और 2 90 90 क्यों, क्योंकि ओ डैश पी क्यू के पैरेलल और बी से पास कर रही है ना ये लाइन, ये तो दिया ही हुआ था क्वेश्चन में, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया ना, ठीक है। इस तरह से एंगल 3 और 4 भी दोनों 90 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, तो ओ डैश परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी कॉमन कोड का, ये प्रॉपर्टी होती है। लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉमन कोड, और अगर ये एंगल 90 हो गया तो एंगल इन ए सेमी सर्कल, आपको पता है एंगल इन ए सेमी सर्कल 90 डिग्री, मीन्स ये जो सेमी सर्कल का ये एंगल अगर 90 है, देखो पी ए को ज्वाइन करने के बाद ये 90 है, तो पक्का पी ओ एक सीधी लाइन होगी, मीन्स ये डायमीटर ही होगा, और ए ओ डैश क्यू भी एक सीधी लाइन होगी, मीन्स ये डायमीटर होगा। अब डायमीटर के मिड पॉइंट क्या होते हैं, सर्कल का सेंटर। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, अब प्रूफ क्या है, एंगल ए बी पी 90 डिग्री, सो एपी इज डायमीटर। सिमिलरली इसी लॉजिक से ए क्यू भी डायमीटर है। और ओ डैश उन डायमीटर्स के मिड पॉइंट है, ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ एपी, ओ इज मिड पॉइंट ऑफ एपी एंड ओ डैश इज, एंड ओ डैश इज यहां लिख यहां कर रहा हूं मैं, एंड ओ डैश इज मिड पॉइंट ऑफ ए क्यू, तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम ओ ओ डैश इज हाफ ऑफ पी क्यू। कौन सी ट्रायंगल में, ये कौन सी थ्योरम लगाई मैंने, मिड पॉइंट थ्योरम, और ये कौन सी ट्रायंगल में लगाई, ट्रायंगल कौन सी ट्रायंगल में लगाई, ट्रायंगल एपीक्यू में, ठीक है। अगर ट्रायंगल एपीक्यू में मैंने मिड पॉइंट थ्योरम लगाई है तो ओ डैश हाफ ऑफ पी क्यू हो गया, 2 ऊपर ले जाऊं तो ट्वाइस ऑफ ओ डैश इज पी क्यू, ठीक है। अब ये आपको पहले सीधी लाइन प्रूव करनी पड़ेगी, आप ये नहीं कह सकते कि एपी डायरेक्ट डायमीटर है, आपको भी एंगल 290 है क्योंकि एंगल 190 है। अब एंगल 1 क्यों 90 है, ये रीजन क्या है, ये रीजन ये है कि लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कोड, ये आप लाइन लिख के आ सकते हैं, लाइन ये मैं यहां लिख देता हूं, रुकिए, लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉमन कोड, ठीक है बेटा। तो जो एंगल 1 3 5 6 ये सारे ही 90 होंगे, ये लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉमन कोड, ये लाइन लिख के आओ, तभी 1 इज इक्वल टू 2 क्यों है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि आपको दिया हुआ है ना ओ डैश और पी क्यू पैरेलल है, तो 1 इज इक्वल टू 2 90 डिग्री कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, 3 इज इक्वल टू 4 90 डिग्री कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अब एंगल 2 है 90 है तो पक्का पी
PO एक स्ट्रेट लाइन है, एंगल इन सेमी सर्कल वाला फंडा आ जाएगा यहाँ पे, एंगल 4 भी 90 है, तो AO डैश 2 भी एक स्ट्रेट लाइन है, एंगल इन सेमी सर्कल। अब सेंटर से कोई सीधी लाइन पास कर रही है तो वो डायमीटर का काम करेगी क्योंकि उसकी एंड पॉइंट सर्कल पे भी लाई कर रहे हैं। तो AP एक डायमीटर हो गया, O उस डायमीटर का मिड पॉइंट हो गया, सेंटर इज द मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर एंड O डैश इज मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर। तो O डैश बाय मिड पॉइंट थ्योरम इज हाफ ऑफ PQ, या 2 ऊपर ले गए, ट्वाइस ऑफ O डैश इज PQ। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।